लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न का वितरण करके बीपीएल और एपीएल दोनों परिवारों के बचाव के लिए कदम उठाए हैं। लेकिन जानवरों के बारे में क्या? जानवरों के भाग्य को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है। लॉकडाउन की अवधि में व्यापारिक प्रतिष्ठान और भोजनालय बंद होने से पशुओं को भोजन नहीं मिल रहा है। पुत्तूर सीएमसी के पूर्व अध्यक्ष ने नियमित रूप से आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की पहल की है। पुत्तूर नगर सुमार 100-150 नाई ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮೇ 15 ಸಾಲ ಸೇ ಪುತ್ತೂರ್ ಶಹರ್ ಮೇ ಆವಾರಾ ಕುತ್ತೋ ಕೋ ಖಾನಾ ಖಿಲಾ ರಹಾ ಹೂ ಆವಾರಾ ಕುತ್ತೋ ಕೋ ಖಿಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಡೆ ನಹೀ ಆಯಾ ಹೈ ಹಮ್ ರಾತ್ ಮೇ ಕರೀಬ 150 ಆವಾರಾ ಕುತ್ತೋ ಕೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪರೋಸ್ ರಹೇ ಹೈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೆ ದೌರಾನ್ ಹಮ್ ಶಾಮ್ ತಕ್ ಹೀ ಕುತ್ತೋ ಕೋ ಖಾನಾ ದೇ ರಹೇ ಹೈ ಈ 150 ನಾಯಿಗಳಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳು ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಂತ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ। राजेश बन्नूर नियमित रूप से लगभग 150 आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। वो घर पर खाना तैयार करते हैं और अपने दो पहिया वाहन से घूम घूम कर पुत्तूर शहर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो कुत्तों को नॉनवेज खासकर बिरयानी खिला रहे हैं। ಪುತ್ತೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಮಾರು 100-150 ಮೇನೆ ನ ಕೇವಲ ಲಗ್ಭಗ 150 ಆವಾರ ಕುತ್ತೋಕೋ ಖಾನಾ ಖಿಲಾಯಾ ಹೈ ಬಲ್ಕಿ ಕೌವೆ ಗಾಯ್ ಔರ್ ಸಾರಸ್ ಕೋ ಭೀ ಭೋಜನ್ ಕರಾಯಾ ಹೈ ಆಜ್ ತಕ್ ಆವಾರಾ ಕುತ್ತೋ ಔರ್ ಅನ್ಯ ಜಾನವರೋ ಕೋ ಖಿಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭೋಜನ್ ಕಿ ಕಮಿ ನಹೀ ಹುಯಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೊಕ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ। राजेश ने सरकार से अस्थायी शेड बनाकर आवारा कुत्तों के लिए आश्रय बनाने का आग्रह किया है। अगर सरकार इस उद्देश्य के लिए उन्हें मुफ्त भूमि का आवंटन करती है तो उन्होंने शेड बनाने की इच्छा जाहिर की है। ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದಂತ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ। आमतौर पर लोग घर पर कुत्ते और बिल्ली जैसे पालतू जानवर पाल रहे हैं। मैंने 15 साल से किसी व्यक्ति को आवारा कुत्तों और गली के जानवरों को खाना खिलाते नहीं देखा। वह नियमित रूप से 150 से अधिक कुत्तों को खाना परोस रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद आवारा कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। यह जानवरों के प्रति एक उल्लेखनीय समाज सेवा है। राजेश बन्नूर राजेश की मदद के लिए कुछ लोगों ने हाथ बढ़ाया है। पुत्तूर के कुछ होटलों और मुस्लिम समुदाय के युवाओं से राजेश को मदद मिल रही है। वो आवारा कुत्तों को खाना मुहैया करा रहे हैं। आवारा कुत्ते बीमार पड़ते हैं तो राजेश और उनकी टीम एक पशु चिकित्सक को मौके पर ले जाती है और उन्हें जरूरी दवा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।